हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संदीप राजवर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं INC20A को कैसे फिलअप करना है। ये V3 पोर्टल पे आ चुका है, मतलब पुराना वाला फॉर्म अब बर्बाद हो चुका है। अब आपको अपने जो भी इनकॉर्पोरेशन आपको करना है वो सारा V3 पोर्टल पे करना है, मतलब नए वाले पोर्टल पे। अगर इससे पहले अगर आपने कभी भी V2 पोर्टल पे INC20A फाइल किया था तो भूल जाइए, वो पूरा प्रोसीजर बच्चों वाला था। अभी जो है ना, दादाजी वाला प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, मतलब बड़ों वाला प्रोसीजर। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी भी शान पट्टी करते हो कि छोड़ो ना, क्या ही हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा सर, शान पट्टी खत्म कर दे रही है। MCA जो है ना, गवर्नेंस को बहुत स्ट्रांग कर रही है। वो चाहते हैं कि अगर आप जितना कमिटमेंट दे रहे हो कंपनी को पैसा देने का, उतना दे दो, ठीक है। तो वो सब चीज़ को लेके गवर्नेंस को बहुत स्ट्रांग किया गया है। तो अभी INC20A में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। क्यों मैं सब बार बार बोल रहा हूँ, देखो पूरा फॉर्म तो मैं दिखा दूंगा कि कैसे फिलअप करना है, क्या फिलअप करना है और किस बात का ध्यान रखना है। बट एक बात ध्यान रखना कि अब अगर कोई भी बोलता है कि बस ऐसे ही फिलअप कर दो ना, क्या ही बिगड़ जा रहा है, मत फिलअप करिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। आपको MCA सर्विस में ई फाइलिंग में आना है, कंपनी ई फाइलिंग में, नीचे इंफॉर्मेशन सर्विस में नीचे जाइए फटाफट। INC20A दिख गया, ये होता है डिक्लेरेशन फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये फाइल क्यों करते हैं पहले वो जान लेते हो। फाइल करने का रीजन है कि जिस दिन आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, मतलब जिस दिन आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया है, उस दिन आप बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हो। उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आने से पहले आपको एक, मतलब जब मेमोरेंडम आपने बनाया था कंपनी का, उस मेमोरेंडम में कुछ शेयर होल्डर्स होंगे, याद आ रहा है? कुछ शेयर होल्डर होते हैं, पब्लिक कंपनी होगी तो 7 शेयर होल्डर होंगे मिनिमम, और अगर प्राइवेट कंपनी होगी तो 2 शेयर होल्डर होंगे मिनिमम, ठीक है, और 1 पर्सन कंपनी में 1 शेयर होल्डर होगा। तो इतने शेयर होल्डर मिनिमम चाहिए होते हैं, है ना। अभी क्या है यहाँ पे INC20A में क्या बोलता है कि जो शेयर होल्डर ने मेमोरेंडम में बोला था ना कि हम 5,000 शेयर लेंगे, हम 2,000 शेयर लेंगे, 10 रुपये वाले मतलब 20,000 रुपये कंट्रीब्यूट करेंगे, 5,000 शेयर लेंगे 10 रुपये वाले मतलब 50,000 रुपये कंट्रीब्यूट करेंगे, कोई बोला था 30,000 शेयर लेंगे 10 रुपये वाला मतलब 30,000 शेयर, 3,000 शेयर लेगा 10 रुपये वाला मतलब 30,000 शेयर अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा। अब ये जो 30,000 रुपया बोला गया था उस मेमोरेंडम में, वो अमाउंट कंपनी को मिला है या नहीं, ये बात INC20A अभी तय कर लेगा, ठीक है। और आपको ये श्योर करना है कि भैया वो पैसा कंपनी के पास मिल जाना चाहिए। जब कंपनी के पास वो पैसा आ जाएगा, कंपनी के बैंक अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा, उसके बाद आपको INC20A फाइल करना होता है। जस्ट इस पर क्लिक किया, ये पूरा का पूरा वेब बेस्ड फॉर्म बना दिया है। पहले आप डाउनलोड करके कर सकते थे, अभी पूरा का पूरा वेब बेस्ड फॉर्म है, ठीक है। मैं नीचे जाता हूँ, ठीक है। सो जस्ट मैंने नीचे किया और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दो ऑप्शन मिल रहा है मेरे को, ये दोनों यहाँ पे फिल करना मैंडेटरी है। इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म अगर आपने स्पाइस प्लस पार्ट बी अगर V3 में फिलअप किया था तो उसमें भी याद करो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ऑप्शन में था। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम था तो आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देना था, अगर सेम नहीं था तो आपको ये देने का जरूरत नहीं था उस टाइम। बट INC20A के अंदर ये चीज़ को डालना मैंडेटरी हो गया है। अब ये आपको कहाँ से मिलेगा, आप गूगल कर सकते हो, अपने लोकेशन का, आप अपने घर का नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि घर का अगर आप खोजने जाओगे तो 20 पॉइंट समथिंग 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 डॉट 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 करके मिलेगा, उतना बड़ा आप नहीं दे पाओगे यहाँ पे, ठीक है। आपको एग्जैक्ट नंबर में देना है, अगर जैसे ही लंबा चौड़ा करते हो ना फिर वो एग्जैक्ट फिगर में नहीं रहेगा तो मैच नहीं करेगा, ठीक है, और अगर ऊपर नीचे रहा तो भी दिक्कत करेगा। सो अगर तो आपको थोड़ा ऊपर नीचे मिल रहा है दैट्स ओके, अगर अदरवाइज आई सजेस्ट कि आप हार्डली 2 से 4 डिजिट तक जा सकते हो डेसिमल के बाद, ठीक है। बहुत लंबा मत करना, एकदम गूगल का मत छापने स्टार्ट कर देना, ठीक है। मैं इसका दे देता हूँ ये, ठीक है। अगर यही मैं बहुत लंबा चौड़ा एकदम एग्जैक्ट डिटेल में जाऊँगा ना तो शायद नहीं ले, या फिर एरर क्रिएट करेगा ये, ठीक है। अभी तक तो एरर क्रिएट नहीं कर रहा है, यहाँ पे नहीं क्रिएट कर रहा है, बट आई एम डेफिनेटली जब आप सबमिट करने जाओगे तो इसके वजह से वो एरर करने लगेगा, ठीक है। तो ये एक पहला पॉइंट है जिसका आपको ध्यान में रखना है, ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अगर मैच नहीं कर पाता उनका ढंग से तो एरर हो जाएगा। अभी एरर नहीं होगा, सबमिट के समय एरर होगा। नेक्स्ट, वेदर द कंपनीज एक्टिविटीज रेगुलेटेड बाई सेक्टोरल रेगुलेटर लाइक RBI, SEBI, IRDAI, क्या इनसे कोई रेगुलेटर का अप्रूवल चाहिए? अगर चाहिए तो यस करके इसका अटैचमेंट देना होगा कि अप्रूवल मिल चुका है, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए होगा। अगर चाहिए होता तो सपोज अगर आप एक NBFC कंपनी बना रहे होते तो आपको RBI का अप्रूवल लेना होगा, लेने के बाद यहाँ पे यस करके RBI का डिटेल पूरा देना होगा कि RBI होगा, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे होगा, कब अप्रूव हुआ था, ये तीनों डिटेल्स यहाँ पे आपको देना होगा, क्योंकि NBFC को RBI का अप्रूवल लेना मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नो कर दिया। नेक्स्ट, डिटेल ऑफ सब्सक्रिप्शन पेमेंट फॉर द वैल्यू ऑफ शेयर। अभी देखो ये वाली जो मैंने SIN नंबर डाली है ना, वो एक पब्लिक कंपनी की डाली है, तो मेरे को क्या है यहाँ पे मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स को डालना ही पड़ेगा। अगर मैं 2 या 3 शेयर होल्डर दूंगा तो नहीं लेगा, क्योंकि ये एक पब्लिक कंपनी का
है, तो सपोज अगर मैं 7 देता हूँ तो ये एक्सेप्ट करेगा, और 7 क्लिक करते हैं यहाँ पे 7 ऑप्शन खुल जाएंगे। मतलब यहाँ पे उन 7 लोगों का नाम डाला है जो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो आपका बना है, जिसमें उस 7 शेयर होल्डर का नाम था ना, उन्हीं सभी शेयर होल्डर्स का नाम लिखना है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ मिस्टर ए, इसका नाम है बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई। यहाँ पे मैं डमी नाम दे रहा हूँ, चिंता मत करिए, आपको सही नाम देना है, ठीक है? एकदम वही नाम आपको यहाँ पे पुट करना है जो नेम एग्जैक्टली उस इंसान का उस मेमोरेंडम में लिखा है, या फिर उसके बैंक अकाउंट में लिखा हुआ हो, ठीक है? उसका घर का नाम, उसका पेट नाम, उसको प्यार से बुलाने वाला नाम, कुछ कार के बुलाने वाला नाम नहीं चलेगा, ठीक है? यहाँ पे बैंक अकाउंट, जिस बैंक अकाउंट से वो बंदा पैसा दिया है, बैंक स्टेटमेंट आपके हाथ में होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट में नाम होना चाहिए कौन से बैंक से पैसा आया हुआ है, उस बैंक का नाम देना होगा, ठीक है? कैश में देना अलाउड नहीं है पैसा, ठीक है? तो मैं स्टेट बैंक ऑफ INDIA, अभी के समय अगर कोई भी बोलता है ना कि छोड़ो ना यार चला लो, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं है, इस फॉर्म के आने के बाद ना नहीं चलेगा, ठीक है? सबका अलग अलग बैंक हो सकता है आपके यहाँ पे, मैं एक ही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट फिगर नहीं दिखाना है, आपको एग्जैक्ट फॉर्म नहीं दिखाना है, ठीक है? बट डोंट वरी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इस फॉर्म को फिलअप करते समय। अकाउंट नंबर, ठीक है? अब मैं सबका सेम अकाउंट नंबर तो नहीं रख सकता, ठीक है? तो मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ, ठीक है? ये वही अकाउंट नंबर होना चाहिए जिस अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया हुआ है। अगर कोई ऐसा अकाउंट नंबर डालते हो जिसमें से पैसा नहीं आया हुआ, यहाँ पे आप डमी डालते हो, तो भैया ऑफिसर डायरेक्टर जो है ना उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी यहाँ पे, तो उससे बहुत बड़ा उनका प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? तो इस बात का आपको खास कर ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे गलत अमाउंट ना डालें और गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। पहले फॉर्म में चल जाता था क्योंकि वहाँ पे अटैचमेंट होते थे सारा कुछ, लेकिन अब ये चीज़ नहीं चलेगा क्योंकि आप अटैचमेंट भी सेम डाल रहे हो और यहाँ पे फॉर्म में भी फिलअप कर रहे हो। अगर गलत चीज़ डाल रहे हो तुरंत आपको 448 के अंदर डाल दिया जाएगा, और 448 का पेनल्टी 447 में लिखा हुआ है, ठीक है? अमाउंट कितना, सबसे मैंने 50,000 लेने थे, मैंने सबसे 50,000 लिए हैं। आप अपने क्लाइंट को हमेशा यही गाइड करेंगे कि भैया बैंक अकाउंट में छेड़छाड़ ना करें, जब तक मैं बोलता नहीं तब तक कुछ नहीं करना है, जब तक आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हो जाता, कोई भी बदमाशी, कोई भी अपना एक्स्ट्रा बुद्धि नहीं लगाना है, उस बैंक अकाउंट को वैकेंट रहने से जब तक सारा पैसा नहीं आ जाता। पुराने फॉर्म से तो बहुत ईजी होता था, लेकिन अब के फॉर्म में बहुत झमेला हो गया है। आपको इस पे सेव पे क्लिक करना है, ये अपना दिमाग लगाएगा, चेक करेगा, देखो समथिंग वेंट रॉन्ग, ये इनकी पुरानी बीमारी है, कुछ नहीं कर सकते। मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूँ फिर से, उम्मीद है कि शायद ये क्लिक कर ले, डेटा हैज़ बिन सेव सक्सेसफुली, ये डेटा सेव हो गया। अब ये डेटा जो है ना माई एप्लीकेशन में आपका विजिबल हो जाएगा। अगर मैं जब नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है, एक बोलता है कि फोटोग्राफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। पहले ये सारे इन्फॉर्मेशन 20A में नहीं थे, ठीक है? अभी 20A में मैंडेटरी कर दिए गए हैं, ठीक है? अभी यहाँ पे आपको क्या क्या देना होगा, यहाँ पे आपको देना है फोटोग्राफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस शोइंग एक्सटर्नल बिल्डिंग, मतलब जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वो रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर, सपोज ये एक कागज लेना है, ठीक है? अगर आपका छोटा सा बिजनेस है, एक कागज लेना है, इस कागज के ऊपर अपने कंपनी का नाम लिख दो, उसका सिन नंबर लिख देना, ठीक है? नाम, सिन नंबर, उसका एड्रेस और ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये चार इन्फॉर्मेशन आपका मैंडेटरी लिखा होना चाहिए, ठीक है? अगर आपका खुद का कोई होल्डिंग है, कोई बैनर है, कोई पोस्टर है, तो दैट्स वेरी गुड। अगर नहीं भी है तो एक कम से कम A4 साइज पेपर में ये चार चीज होना चाहिए मैंडेटरी, ठीक है? और उसको अपने घर के, जो भी आपका ऑफिस है, घर है, जो भी जगह है, उस जगह पे उसको ऐसे चिपका देना है, पूरा अच्छे से सेलो टेप करके चिपका देना है, फ्रेम करा सकते हो, जो कराना चाहो करा सकते हो, उसको दीवार पे चिपकाना है, उसका बढ़िया से एकदम अच्छा क्वालिटी में फोटो लेना है, लेकिन बहुत बड़ा साइज का नहीं, क्योंकि 5 MB से ज़्यादा का फाइल अपलोड नहीं होगा। पहला फोटो वो होना चाहिए। दूसरा नंबर फोटो, एक्सटर्नल बिल्डिंग का पहले फोटो आपको क्लिक करना है, फोटोग्राफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस शोइंग एक्सटर्नल बिल्डिंग, एक्सटर्नल बिल्डिंग, बाहर से उस बिल्डिंग का फोटो क्लिक कर लिए, ठीक है? इन साइड ऑफिस, ऑफिस के अंदर घुसिए। अब ऑफिस के अंदर घुसने के बाद ऑफिस का क्या फोटो खींचेंगे, आप एक डायरेक्टर को बैठाइए कुर्सी पे, ठीक है? उस डायरेक्टर को बैठाने के बाद उस डायरेक्टर के बगल में, मतलब मैं मान लो मैं डायरेक्टर हूँ, बैठ गया, तो यहाँ पे एक कागज लगाइए जहाँ पे लिखा हो डायरेक्टर, ठीक है? एक ऐसा कोन बना के, ठीक है, एक ऐसा वाला कोन लगा दीजिए जहाँ पे लिखा हो डायरेक्टर, ठीक है? मैं ऐसे बैठा हूँ, यहाँ पे डायरेक्टर लिखा हुआ है मेरे टेबल के ऊपर, सामने से आप पकड़ के क्लिक फोटो क्लिक कर रहे हैं, ये इमेज चाहिए होगा कम से कम एक डायरेक्टर का, ठीक है? मिनिमम वन डायरेक्टर का ये फोटो चाहिए होगा मेरे को, चेयर पे बैठा के, कुर्सी पे बैठा के। अगर कुर्सी चेयर के साथ, लैपटॉप वैपटॉप के साथ फोटो आ रहा है, दैट्स गुड, डायरेक्टर विजिबल होना चाहिए, ठीक है? ये लिखा हुआ नहीं आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये चीज़ बहुत मैंडेटरी है, विजिबल होना चाहिए।
ये दोनों फोटो आपको मिनिमम अपलोड करने होंगे, जिसमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का नाम, उसका सिन नंबर, उसका एड्रेस, ठीक है, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये चार पांच चीज़ें ना मैंडेटरी विजिबल होनी चाहिए सर, मैंडेटरी विजिबल, ठीक है। आप ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर विजिबल नहीं करते तो भी चलेगा, लेकिन नेम, एड्रेस एंड सिन नंबर, दीज थ्री थिंग्स आर इमेंस इंपॉर्टेंट, आपको मैंडेटरी विजिबल कराने वहाँ पर लिखने होंगे। दूसरा, डायरेक्टर बैठा के डायरेक्टर के सामने डिटेल्स, डायरेक्टर लिखा हुआ ये प्रॉपर, ठीक है, नहीं लिखा हुआ है तो एडिट करके डालो, लेकिन डालो, ओके। नेक्स्ट, ऑप्शनल अटैचमेंट, इफ एनी, यहाँ पे अपना बैंक स्टेटमेंट अटैच कर दो, आई सजेस्ट बेस्ट ऑप्शन है, आप बैंक स्टेटमेंट मैंडेटरी अटैच करो यहाँ पे, ठीक है, जो आप पीछे में डिटेल दिए हो ना। हाँ, अगर आपका क्लाइंट जो है वो बैंक स्टेटमेंट में घोटाला करके बैठा है तो मत अटैच करो, कुछ नहीं हो पाया है, ठीक है। आई एम ऑथराइज बाई बोर्ड रिलेशन, यहाँ पे अपने बोर्ड रिलेशन नंबर 4 देते हैं नॉर्मली, 3 तक तो बोर्ड रिलेशन हमारा ऐसे ही बढ़ जाता है, 3, 4, 5 के ऊपर जाता है। डेट, बोर्ड रजिस्ट्रेशन का डेट कौन सा होगा सर, बोर्ड रजिस्ट्रेशन का डेट आपका जो बैंक बैंक स्टेट मतलब बैंक अकाउंट ओपन करते समय जो बोर्ड रजिस्ट्रेशन ओपन पास किया था ना, अगर रिसेंट का पीरियड है तो बैंक स्टेटमेंट जब ओपन हुआ था तब उस टाइम में जो BR पास किया था वही डेट डाल सकते हो। अगर बहुत दिन हो गया बैंक अकाउंट खोले तो आप कोई भी यहाँ पे डेट दे सकते हो रिसेंट का, सपोज मैं एक रिसेंट का कोई भी डेट दे देता हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन, मेरे को यहाँ पे डिन नंबर देना होगा, तो अब जो भी मेरे को यहाँ पे डिन नंबर है मेरा वो यहाँ पे दे दूंगा डायरेक्टर का। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, जो भी है, सपोज मेरा ये है, ठीक है, एसोसिएट, एसोसिएट पे क्लिक कर दिया। अभी मेरे को यहाँ पे COP नंबर अपना दे देना होगा और फिर इसको मेरे को सेव करना होगा, ठीक है। सेव करने के बाद जब नेक्स्ट करूँगा तो ये फॉर्म मैं डाउनलोड कर पाऊँगा, ठीक है। सेव करने के बाद जब नेक्स्ट करूँगा ना, ये फॉर्म मेरे को मतलब डाउनलोडिंग का ऑप्शन आएगा। अभी यहाँ पे एक एरर आएगा कि जब आप डाउनलोड करने जाओगे तो आपको सिर्फ अटैचमेंट डाउनलोड होगा, ठीक है। उस सिचुएशन में क्या करना है, आपको ये फॉर्म फिर से माई एप्लीकेशन में जाना है, एडिट करना है, सेव, नेक्स्ट, सेव, नेक्स्ट करते हुए फिर से डाउनलोड करना है। नहीं हुआ ब्राउज़र चेंज करिए करिए, नहीं हुआ बंद कर दीजिए, आधा एक घंटा बाद ट्राई करिएगा। ये सारे एरर्स आ रहे हैं INC 20 में, मतलब हर फॉर्म में ये सब एरर्स आते हैं, तो इसमें भी आ रहे हैं। नेक्स्ट, जब ये आप सेव कर दोगे, अगर आपका यहाँ पे जब सेव करने के बाद सक्सेसफुल क्लिक हो जाता है, डाउनलोड होने का ऑप्शन आता है, तो क्लिक करके नेक्स्ट पेज में, जस्ट नेक्स्ट पेज में आपका डाउनलोड का ऑप्शन रहेगा, नीचे में लिखा रहेगा क्लिक हियर टू डाउनलोड, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है PDF को। PDF को डाउनलोड करने के बाद आपके पास जो DSC है, DSC को लगाइए, उस PDF को नॉर्मल जो आपका PDF रीडर पहले हुआ करता था एक्रोबेट, उसमें उसमें ओपन करिए उस PDF को, उसमें आप अपना DSC लगाकर साइन कर दीजिए। साइन करने के बाद आपका जो भी PCA, PCS, PCM जो भी बंदा है ना उसके पास भेज दीजिए साइन करने के लिए, जिसका यहाँ पे आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर डाले हो। अगर किसी का नहीं डाले हो, आपको प्रूफ किसी का नहीं मिल रहा है, तो मेरे को मेरा डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है, उसमें कॉन्टैक्ट कर लो, अपना बता देंगे हम। आप उस वाला डिटेल लेके मेरे पास मेल कर दो, मतलब मेरे को मेल कर दो, व्हाट्सएप को तो जरूर करना कर। उसके बाद हम उस फॉर्म को चेक करेंगे, ऑब्वियसली बात है चेक करेंगे भाई, बिना चेक के नहीं कर सकते साइन अप, ये इतना ब्लंडर किया इन्होंने, कैसे बिना चेक किए साइन करेगा कोई, ठीक है। चेक करेगा आदमी, अगर सब कुछ ओके रहा, साइन करके आपको वापस भेज दिया जाएगा। अब वापस भेजने के बाद क्या करना होगा सर, वापस भेजने के बाद ये फॉर्म आपको माई एप्लीकेशन में जाना है। माई एप्लीकेशन में अभी देखो, माई एप्लीकेशन में जाने के बाद वेट, नीचे जाने दो, इस साइड में अगर आप जाते हो ना, यहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, जस्ट क्लिक ऑन अपलोड, अपलोड पे क्लिक करोगे आपको वो PDF अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब जैसे ही उस PDF को अपलोड कर देते हैं आपका काम वहीं कंप्लीट हो जाता है। PDF को अपलोड करने के बाद आपको बोलेगा पेमेंट करने, जो भी आपका पेमेंट बनता है वो आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपका आपको चालान वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे पूरा ऑप्शन मिल जाएगा कि SRN आपको यही मिल जाएगा, सारा A to Z डिटेल्स आपको यहीं पे मिल जाने हैं। सो दैट्स गुड, पोर्टल काफ़ी अच्छा इन्होंने किया है, मतलब अगर गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करने बोला जाए तो बहुत बढ़िया काम किया है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, अब घोटाला कम होगा, मतलब थोड़ा चिटिंगबाजी जो पहले कर देते थे सर आपने वो थोड़ा रुकेगा। अभी भी अगर आप नहीं कर रहे हो, अभी भी आपका क्लाइंट नहीं सुधर रहा है, तो सर उनको बोलिए सुधर जाने के लिए। ये पुराना वाला अब इंडिया नहीं रहा है, इंडिया बदल रहा है, तो पोर्टल भी बदल चुका है और यहाँ पे बवाल हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। आई थिंक समझ में आ गया, तो अच्छा एक डिस्क्लेमर और, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना सारा कुछ दिया हुआ है, एक बार डिस्क्रिप्शन खोल के ना बहुत कुछ देख लो, ठीक है, जस्ट रीड कर लो। और कमेंट बॉक्स जिंदाबाद है, कुछ भी अच्छा लगा, खराब लगा, पसंद आया, नहीं आया। अभी अगर मैं टाइम बताऊँ ना आपको, 12:42 हो रहा है, राइट, तो इस टाइम पे मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो मेरे पास टाइम नहीं था, सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक टाइम ही नहीं बचा, अभी जाके टाइम बचा है, 12:42 पे मैं वीडियो बना रहा हूँ।
सो एक बज चुका है ऑब्वियसली, फिर मेरे को सोना है, सुबह उठना भी है, तो एक 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 लाइक बनता है, ठीक है, इतना मेहनत के लिए कम से कम एक लाइक तो बनता है ना, प्लीज दे दो यार, ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल।